अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रियलमी एक्स 50 प्रो के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि रियलमी बहुत ही कमाल की मोबाइल की कंपनी है और इन्होंने दोस्तों ये 5G मोबाइल लॉन्च किया है जिसका नाम X50 प्रो है। दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में कब आने वाला है और ये भी बताऊँगा कि इसकी क्या प्राइस रखी जाएगी। दोस्तों मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके डिस्प्ले के बारे में बताता चलूं कि जो इसका डिस्प्ले है वो 6.44 इंचेस स्क्रीन रखा है और दोस्तों जो इसका रेजोल्यूशन है वो 1080 मल्टीप्लाई बाय 2400 पिक्सल्स का जो है रखा गया है। दोस्तों इसके अंदर रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया है और इसके अगर हम लोग साइज़ की बात करें जो 6.44 इंचेस आप लोगों को देखने को मिलता है वो फुल HD आप लोगों को यहाँ मिल जाता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो आप लोगों को कॉर्नर ग्लास के ऊपर जो है वो गोरिल्ला मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5, जो कि आप लोग के मोबाइल को प्रोटेक्ट रखेगा। इसके अंदर जो दोस्तों जो एक्स्ट्रा फीचर लगाया गया है वो इसका दोस्तों रिफ्रेश रेट है, जो कि 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इसमें लगाया गया है। दोस्तों बहुत ही कम मोबाइल के अंदर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब इसके प्रोसेसर के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसके अंदर ऑक्टा कोर लगा हुआ है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके अंदर दोस्तों जो इसके प्रोसेसर है वो बहुत ही कमाल के इन्होंने लगाए हैं। चिपसेट सिस्टम की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आप लोग को स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है। GPU की बात करें तो इसके अंदर ग्राफिक भी दोस्तों बहुत ही कमाल के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसका रेजोल्यूशन भी बहुत ही अच्छा है और इसके जो ग्राफिक्स है वो भी काफ़ी हाई रख के इन्होंने पुराने मोबाइल के मुकाबले में। दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूं कि इससे पहले रियलमी X50 आया था लेकिन अब इन्होंने रियलमी X50 जो है वो प्रो कर दिया है। इसके अगर दोस्तों मैं मेमोरी के बारे में आप लोगों को बताता चलूं तो इसके अंदर 256 GB जो है वो मेमोरी है और इसकी जो रैम है दोस्तों वो 12 GB रैम रखी गई है। दोस्तों बहुत ही कम मोबाइल के अंदर 12 GB रैम देखने को मिलती है तो ये बहुत ही पावरफुल मोबाइल होने वाला है। दोस्तों आप लोग इस मोबाइल के अंदर गेमिंग भी कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसकी दोस्तों जो रैम है वो इन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी और कमाल की रखी है। कुछ अदर फीचर्स की दोस्तों इसके अंदर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे वो सारे कमाल की चीज़ें मिल जाती हैं जो कि एक अच्छे मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों सारे वो सेंसर मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर और बाकी वो सारा दोस्तों चीज़ें मिल जाती हैं जो कि एक अच्छे मोबाइल में होती हैं। दोस्तों इसके कैमरे के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो इसके अंदर क्वाड कैमरा लगा हुआ है, पहला कैमरा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 64 MP का मिल जाता है जो कि वाइड एंगल फ़ोटोज़ के लिए है। दूसरा कैमरा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को टेली फ़ोटोज़ के लिए मिल जाता है जो कि 12 MP का इन्होंने लगाया है। उसके बाद दोस्तों का जो 8 MP का दोस्तों आप लोग को मिल जाता है जो कि 2x जूम आप लोग कर सकते हैं और दोस्तों वो कैमरा अल्ट्रा वाइड के लिए रखा गया है। दोस्तों इसके अंदर डेप्थ सेंसर कैमरा भी लगा हुआ है इसलिए इसके अंदर 4 कैमरे मिल जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर LED फ्लैश भी आप लोग को मिल जाता है। अगर हम इसके फीचर की बात करें तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पर वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही हाई किस्म की देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोग 120 FPS के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग दोस्तों स्लो मोशन रिकॉर्ड करना चाहें तो आप लोग वो दोस्तों 720p के ऊपर कमाल का दोस्तों स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर डुअल कैमरा मिल जाता है फ्रंट के ऊपर। दोस्तों बहुत ही कमाल का इन्होंने जो फ्रंट कैमरा रखा है 32 MP का आप लोगों को फ्रंट कैमरा मिल जाता है वाइड एंगल फ़ोटोज़ के लिए। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अल्ट्रा वाइड एंगल फ़ोटोज़ के लिए भी 8 MP का साथ में कैमरा रखा है। आप लोग दोस्तों HD क्वालिटी और 30 FPS के ऊपर फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वीडियो। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी बैटरी के बारे में बताता चलूँ, आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे 4200 mAh की कमाल की फास्ट चार्जिंग बैटरी मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक कमाल की फास्ट चार्जिंग इस तरह 65 W की दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे जो है फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। आपकी दोस्तों 100% जो मोबाइल की बैटरी है वो 35 मिनट के अंदर दोस्तों चार्ज करके दे देगा। दोस्तों ये कमाल का जो इसका फास्ट चार्जर है वो 65 W का है और आप लोगों को सिर्फ 35 मिनट के अंदर जो है 100% चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों जो इसकी प्राइस है वो आप लोगों को यहाँ पे 90,000 मिल जाती है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 90,000 के अंदर ये लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मुकम्मल स्पेसिफिकेशन समझ आ गई होंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों मैं आप लोग के लिए इसी तरह कमाल की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।